हेलो क्लास 7 स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, हम आज करने जा रहे हैं आंसर के क्वेश्चन इन डिटेल। ये जो है आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट का है। तो इसका क्वेश्चन आंसर जो है, आंसर द क्वेश्चन इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है, नेम द थ्री हीट जोन एंड डिस्क्राइब ईच ब्रीफली। आपको थ्री हीट जोन को डिस्क्राइब करना है एक एक करके। तो पेज नंबर देखिए, यहाँ पे 142, पेज नंबर 142, हीट जोन उसको डिस्क्राइब करना है, हीट जोन के लोकेशन को और फीचर्स को। तो हीट जोन सबसे पहला यहाँ पे है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन का आपको लिखना है लोकेशन पहला, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसका फीचर्स लिखना है, पहला सनरेज फॉल वर्टिकली ऑन दिस जोन, रिसीव मैक्सिमम इंसुलेशन, हॉटेस्ट जोन। सेकंड, टेम्परेट जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इसका फीचर्स है, रिसीव मॉडरेट इंसुलेशन, मॉडरेट टेम्परेचर एंड नाइदर वेरी हॉट वेरी कोल्ड। थर्ड, फ्रिजिड जोन बिटवीन नॉर्थ पोल एंड द आर्टिक सर्कल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ पोल एंड एंटार्कटिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। फीचर्स इसका ये है, रिसीव स्लांटिंग रेज ऑफ द सन, रिसीव मैक्सिमम इंसुलेशन। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, डिटेल क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। पेज नंबर है आपका 142। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज कंडेंसेशन, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म, डिस्क्राइब ईच ऑफ वन देम। तो आपको लिखना है इसका आंसर यहाँ पे, कंडेंसेशन का क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, व्हेन मॉइस्ट एयर राइज अपवर्ड इट कूल्स एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन चेंज टू वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन आर एज फॉलोज, क्लाउड, ड्यू, फ्रॉस्ट एंड फॉग। तो इसमें तीन क्वेश्चंस बोले गए हैं। सबसे पहला, व्हाट इज कंडेंसेशन, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद, व्हाट इज द वेरियस फॉर्म, वेरियस फॉर्म जैसे कि क्लाउड, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, और डिस्क्राइब ईच ऑफ वन देम। इनमें से आपको एक को डिस्क्राइब करना है। मैंने यहाँ पे ड्यू को डिस्क्राइब किया है। इट इज़ फॉर्म इट वेन मॉइस्ट एयर कम्स इन टू कंटेक्ट विद कोल्ड सरफेस लाइक द लीव्स ऑफ प्लांट ऑफ ए प्लांट एंड कंडेंस इनटू ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। या आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो, फ्रॉस्ट को भी और फॉग को भी। मैं आपको दिखा दूंगी कि कौन सा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, कंडेंसेशन व्हेन मॉइस्ट एयर राइज अप व्हाट इट कूल्स एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन इन इट चेंज टू वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन आर क्लाउड, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग। इसमें मैंने ड्यू को एक्सप्लेन किया है, आप चाहे तो क्लाउड को भी कर सकते हो। दे आर फॉर्मेड व्हेन वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस अराउंड डस्ट पार्टिकल इनटू टीनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। When this droplet of water comes together, cloud are formed. या आप ड्यू को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, फ्रॉस्ट को भी या फॉग को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब कन्वेक्शनल ओरोग्राफी एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। डिस्क्राइब कन्वेक्शनल ओरोग्राफी एंड साइक्लोनिक रेनफॉल को क्या करना है, एक्सप्लेन करना आपको। तो सबसे पहले हम करेंगे कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल को एक्सप्लेन करेंगे हम। द वार्म एंड मॉइस्ट एयर रीच हायर अप इन इट एक्सटेंड एंड लूज हीट, द वेपर इन एयर कंडेंस एंड क्यूमुलस क्लाउड आर फॉर्मड। दिस क्लाउड काजेस हेवी रेनफॉल दैट इज एकम्पनीड बाय थंडर एंड लाइटनिंग।
Orographic rainfall, when a mountain or a hill comes in path of moisture laden wind, the wind moves up and this process the moisture cools and condensation and precipitation takes place. This is called the orographic or relief rainfall. Cyclonic rainfall, in a cyclone wind form all side blow towards the center causing different air masses to meet. As cold air is denser, it remain near the ground, whereas the warm air rise. The rising warm air cools and condensation takes place, causing rainfall. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इंपैक्ट डज द टेंपरेचर हैव ऑन द ह्यूमिडिटी ऑफ ए प्लेस. इसका आंसर यहाँ पे वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कम्स फ्रॉम द व्हाट इवोपरेशन ऑफ वाटर बॉडीज. इट इज क्लोजली रिलेटेड टू टेंपरेचर. इफ द टेंपरेचर इज हाई the rate of evaporation will be more and humidity will be high. Likewise, low temperature will result in low humidity. Last question, question number 5. Find out why we are experiencing a sudden air block when we are in the flight. Because this air is and this air pressure is lower than it was at ground level. It means that some of the trapped air must be allowed to escape from the inner ear.